हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन कंपटीशन पॉइंट में। और मैं हूँ विशाल त्यागी, लेकर आया हूँ कंप्यूटर के जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होकर पूछे जा रहे हैं, उसकी सेकंड वीडियो। टॉप 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन का आप एग्जाम देने बैठ जाओ, किसी आपका बैंक का हो, पुलिस या फिर SSC UPSC, आप कहीं भी किसी भी लेवल तक चले जाना, इसी एग्जाम के क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेरी वीडियो से मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। पहली वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, आप जरूर देखिएगा। और ऊपर जो आई बटन आपको स्क्रीन पे शो रहा है, वहां से आप मेरी और वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी सेकेंड वीडियो। और टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, बिना स्किप करे देखना। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1969 में। 1969 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना? 1949 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। क्वेश्चन नंबर थ्री, 1 किलोबाइट कितने बाइट से मिलकर बनता है? दोस्तों 1 किलोबाइट कितने बाइट से मिलकर बनता है, वो मैं बता देता हूँ, 1024 बाइट से। 1024 बाइट से मिलकर बनता है ये। और ये काम कैसे करता है? तो दोस्तों यहाँ पे है, ये 1 बिट में होते हैं 8 बाइट, और 1024 बाइट मिलाकर बनता है 1 KB, 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट मिलाकर बनता है 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट मिलाकर बनता है 1 GB, गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट मिलकर बनता है 1 TB। दोस्तों हम देखते हैं लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इन सब की मेमोरी, हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD जिसको हम बोलते हैं, वो इन्हीं सब में होती है। 1 GB रैम होती है जो आपकी, वो GB में होती है। और जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है वो 500 GB, 512 GB, टीवी या टीवी में चलती है, अब तो लेटेस्ट में टीवी चल रहा है, टेराबाइट में होती है, 1 TB, 2 TB, तो यही सब उसकी यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का मतलब क्या है? BIOS, BIOS कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, 1 GB कितने मेगाबाइट्स के बराबर? तो अभी मैंने ऊपर बताया 1024 मेगाबाइट के बराबर, GB में 1024 MB होते हैं। जो नेट चलाते हैं, सर्फिंग वगैरह करते हैं, उनको ये सारी यूनिट्स वैसे पता होती हैं, फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए आप बता रहा हूँ। कंप्यूटर में डाटा और निर्देश उसकी मेमोरी में स्टोर होते हैं, इस मेमोरी स्पेस को मापने की इकाई क्या है? जो कंप्यूटर का डाटा, उसके निर्देश, उसके इंस्ट्रक्शन उसकी मेमोरी में स्टोर होते हैं, उसकी मेमोरी में संग्रहित होते हैं, तो इस मेमोरी स्पेस को मापने की इकाई जो है वो है बाइट। दोस्तों बाइट में इसको मापा जाता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कंप्यूटर स्टोरेज में सबसे तेज गति किसकी है? तो स्टोरेज में सबसे तेज गति अभी है हार्ड डिस्क की, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर एट, यहाँ पर बोल रहा है ALU और CU किसके पार्ट्स है? ALU मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और CU कंट्रोल यूनिट, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के इसके पार्ट है, CPU, ये सब CPU के पार्ट है। क्वेश्चन नंबर नाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक के में माध्यम, जो मध्यम होता है, जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में कितने चिप होते हैं, एक चिप में कितने गेट लगे होते हैं? जो IC सर्किट की जो टेक्निक है उसमें मीडियम स्केल इंटीग्रेशन चिप पर, एक चिप पर कितने गेट बने होते हैं? तो उसपे सैकड़ों गेट बने होते हैं, गेट्स होते हैं सैकड़ों की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं? तो उसी में ही IC चिप पर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में लगे होते हैं 1000, और वेरी लार्ज की बात करी जाए तो वेरी लार्ज में 10 करोड़। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट में कितने गेट लगे होते हैं? तो 10 करोड़ इंटीग्रेटेड लगे होते हैं इंटीग्रेटेड चिप पर, IC पर, इंटीग्रेटेड सर्किट पर। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का सबसे खास असर क्या पड़ा था? एक ही चिप पर संपूर्ण CPU या मेन मेमोरी का बनना संभव होना। तो एक ही चिप पर क्या हुआ था, पूरा CPU और उसकी मेन मेमोरी एक ही सर्किट पर आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट रख पाने में इंटेल को कब सफलता मिली थी? तो इंटेल ने इस चिप को बनाया था और उसको कब सफलता मिली थी? 1971 में इंटेल इसमें कामयाब हो गई थी। इंटेल एक कंपनी है, बहुत जानी मानी कंपनी है, बहुत सारे प्रोसेसर है, पेंटियम, और पुरानों में तो काफी सारे हैं, नए में पेंटियम है आपका, i3, i5, i7, 10th जनरेशन, 8th जनरेशन के हिसाब से चल रहे हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेल। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जो नियंत्रण, जो उसका कंट्रोलर होता है, उसको कहते हैं CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। क्वेश्चन नंबर 15, एक CPU की क्षमता किस में मापी जाती है? तो वो मापी जाती है MIPS में, कंप्यूटर की
क्षमता जो मापी जाती है एमआईपीएस में। एमआईपीएस का मतलब क्या है? तो एमआईपीएस का मतलब है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड ले रहा है वो मापी जाती है सीपीयू की क्षमता। नेक्स्ट 17, सीपीयू के जिस हिस्से में सभी प्रक्रियाएं पूरी होती है उसको क्या कहते हैं? जहां पर सारी प्रक्रियाएं हल होती है, सोल्व होती है, उसको क्या कहते हैं? लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 18, रजिस्टर का साइज जितना बड़ा होगा प्रोसेसिंग की स्पीड उतनी कैसी होगी? रजिस्टर का साइज जितना बड़ा होगा प्रोसेसिंग की स्पीड भी उतनी तेज होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, एकल चिप प्रोसेसर को क्या कहते हैं? तो एकल चिप जो प्रोसेसर होता है उसको क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, एग्जाम के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। किसने बनाया था? इंटेल कंपनी ने बनाया था और 4004 इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 21, इंटेल 4004 पुराने ढंग का एक माइक्रो प्रोसेसर था। 1974 में पहला आम इस्तेमाल वाला माइक्रो प्रोसेसर आया था, उसका नाम क्या था? तो इसके बाद इंटेल ने एक नया प्रोसेसर बनाया आम इस्तेमाल के लिए, उसका नाम था इंटेल 8080। क्वेश्चन नंबर 22, इंटेल 8080 कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था? 8 बिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 8080। क्वेश्चन नंबर 23, इंटेल 80286 प्रोसेसर में कितने ट्रांजिस्टर लगे थे? ये प्रोसेसर है इंटेल का, इसमें लगे थे 134,000 माइक्रो ट्रांजिस्टर। इस प्रोसेसर में 134,000 ट्रांजिस्टर लगे थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इंटेल 80286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? तो वो हुआ था 1982 में, 1974 के बाद 1982 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25, पेंटियम 4 प्रोसेसर में कितने ट्रांजिस्टर लगे थे? तो आप यहां पे काउंट कर सकते हैं, काफी बड़ी संख्या है, 4 करोड़ 20 लाख, 4 करोड़ 20 लाख यहां पे है, और इतने ट्रांजिस्टर लगे थे पेंटियम 4 प्रोसेसर में। बहुत ही हैवी, बहुत ही पावरफुल ये प्रोसेसर था पेंटियम, इंटेल का ही था ये भी। 26, पेंटियम 4 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? तो ये हुआ था 2000 में, 2000 सन में इसका आविष्कार हुआ था। 27 क्वेश्चन पूछ रहा है, पेंटियम प्रोसेसर कितने बिट का था? तो कितने बिट का था ये? 64 बिट का प्रोसेसर था पेंटियम। क्वेश्चन नंबर 28, पेंटियम प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? तो वो हुआ था 1993 में, पेंटियम का जो आविष्कार हुआ 1993 प्रोसेसर। 29, पेंटियम प्रोसेसर में कितने ट्रांजिस्टर लगे थे? तो 31 लाख से ज्यादा पेंटियम में प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर लगे थे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सीडी से क्या कर सकते हैं? तो सीडी से रीड एंड राइट यानी पढ़ और लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का एक जो एग्जाम्पल है वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी डीवीडी। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? डिवाइस जो डाटा और उसके बीच का अंतर समझ सकती है प्रोग्राम का, वो है माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 33, डीवीडी का एक उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। अभी मैंने ऊपर बताया था ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण क्या है, तो डीवीडी। और डीवीडी का भी अगर एक उदाहरण की बात करें तो किस चीज का उदाहरण है डीवीडी? डीवीडी है ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। डीवीडी एक उदाहरण है किसका? तो वो है ऑप्टिकल डिस्क का। क्वेश्चन 34, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी उसकी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को, और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, प्राइमरी मेमोरी के अदर नेम्स, प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कह रहा है स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण क्या है? स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण रैम। रैम एक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म। 37 पूछ रहा है फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो सेकेंडरी मेमोरी में फाइल सिस्टम परमानेंटली स्टोर रहेगा। 38 कह रहा है डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। यहां पर थोड़ा करेक्शन है दोस्तों, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है ये, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 39, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, तो सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है कौन करता है? एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, गणित की सारी जो कैलकुलेशन है उनको सोल्व करेगा, परफॉर्म करेगा एएलयू।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो वो करता है बस के माध्यम से ट्रेवल करता है मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन। 41, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए कम्युनिकेशन नियंत्रण करता है, कौन करता है? कंप्यूटर का जो सबसे मेन पार्ट है वो है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहा जाता है? तो मदरबोर्ड को ही कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। पीसी का नाम क्या है? तो पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। 45 कह रहा है स्पेशल टाइप के म्यूजिक उपकरणों को साउंड कॉर्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? जो स्पेशल टाइप के म्यूजिक उपकरण होते हैं उनको जोड़ता है MIDI। क्वेश्चन 46, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर क्या है? वो है डिस्क ड्राइव। अगर डिस्क को रीड करना है तो उसका हार्डवेयर का क्या नाम है? डिस्क ड्राइव। में डिस्क लाई जाती है सीपीयू के अंदर। 47, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां अब तक विकसित की गई है? तो वो है 5, और सबसे लेटेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 48 कह रहा है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? द हिंदू। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये इस वीडियो का, मैं कह सकता हूं ऐसा, बहुत बार ये पूछा जा चुका है अब तक। पहले इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र तो द हिंदू, और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है? तो पत्रिका का नाम है इंडिया टुडे, और द हिंदू जो है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। 50 पूछ रहा है चीन के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो उसका नाम है तियाने डैश टू, मतलब सेकंड। ये चीन का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। मैं सारी वीडियो कंप्यूटर की हर एक चीज का क्रैश कोर्स बिल्कुल यूनिकली कराया जा रहा हूँ, और मेरे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होते हैं। और अगर किसी का कोई चेंज भी होता है, मतलब अगर स्थिर जीके का सवाल नहीं है, कोई चेंज भी होता है, तो मैं उसका आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन में एडिट कर देता हूँ, उसकी बायो में एडिट कर देता हूँ। और क्वेश्चन जब तक वो रहे, आंसर उसका वही रहेगा, तब तक उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और बिल्कुल सटीक आपको जवाब मिलेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस भी होते हैं, जैसे आपको पसंद है आप उस तरह से वीडियो देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश अलग अलग सब्जेक्ट वाले सभी वीडियो देख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।